के दिन शाम को पीपल देवता को प्रसन्न करने के लिए आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब को कुछ सिक्के दान दें और उससे एक सिक्का मांग लें और उस सिक्के को संभाल कर रखें। इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और सुख और शांति भरेगी। पूछने का दिन माना जाता है कि इंसान के हर अच्छे बुरे कार्य का फल शनि देव ही देते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि शनि देव अगर किसी पर गुस्सा हो जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार से परेशानियां हो सकती है। इसलिए लोग शनि देव से काफी डरते हैं और उन्हें खुश करने के तरह तरह के उपाय खोजते हैं। लेकिन वही अगर शनि देव किसी पर दिल से खुश होते हैं तो उस इंसान को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। व्यक्ति की कुंडली में साढ़े साती और ढैया होने पर ये उसकी सफलता में बाधक बनती है। तो इसलिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से शनि देव खुश होते हैं और मन चाहा फल देते हैं। ये उपाय शनिवार को ही किए जाने चाहिए। नंबर वन, हर शनिवार को काले तिल के साथ आटा और शक्कर मिला लें और उसे चींटियों को खाने के लिए छोड़ दें। नंबर टू, अगर किसी इंसान को शनि देव की कृपा नहीं मिल रही है तो काले घोड़े की नाल या नाव की कील से अंगूठी बनाकर अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन सूर्य अस्त के समय धारण करें। नंबर थ्री, आप चाहे तो शनि देव से मुक्ति पाने के लिए उनके नाम का 108 बार जप करें। नाम इस प्रकार है, कोड़स, पिंगल, बबरू, कृष्ण, रुद्रांतक, यम, सौरी, शनिश्चर, मंद, पिपलाक्ष। नंबर फोर, आज के दिन दान जरूर करें। आज काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल का दान करें। इससे शनि देव खुश होंगे और आपको मन चाहा फल भी देंगे। नंबर फाइव, बंदर। बंदर हनुमान जी का रूप होते हैं तो ऐसे में बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। प्रत्येक शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का पूजन करने से व्यक्ति को शनि दोषों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर सिक्स, आज के दिन शनि देव की पूजा करें और उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का रुद्राक्ष की माला शनिवार से 108 बार जप करें। ऐसा हर शनिवार करें जिससे आपके सिर से शनि देव का साया हट जाए। नंबर सेवन, सुबह स्नान करके एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें, फिर यही तेल किसी गरीब को दान में दे दें। इससे भगवान शनि खुश होंगे और आपका भाग्य बदल जाएगा और बाधाएं भी दूर होंगी। नंबर एट, आप चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार सुबह नहाकर पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। इसके बाद उसी पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मंदिर में लगे पीपल के पेड़ के पास दिया जलाएं। नंबर नाइन, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालें, फिर यही जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी और भोलेनाथ की कृपा से आर्थिक तंगी दूर होगी।